और प्यारे बच्चे कैसे हो? आज हम माई शेडो क्लास 5 इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स, क्वेश्चन आंसर्स और जो भी इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं इस वीडियो में करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को वर्ड मीनिंग्स के साथ। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स यूज़ किए गए हैं बच्चों, वो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला वर्ड शेडो, जो सबसे ज्यादा यूज किया गया है। शेडो मतलब होता है परछाई। हील्स, हील्स माने होता है बच्चों बैक पार्ट ऑफ फुट, आपके पैर का जो सबसे पिछला हिस्सा होता है, जिसको हम एडी भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं हील। फनीएस्ट, फनीएस्ट माने होता है फुल ऑफ ह्यूमर, मतलब मजेदार। प्रॉपर, प्रॉपर माने होता है नॉर्मल या सामान्य। शूट्स अप, शूट्स अप माने होता है राइजेस हाई, ऊंचा उठ जाता है। शाइनिंग, शाइनिंग माने होता है चमकता हुआ। ड्यू, ड्यू माने होता है ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर। अगर आप सुबह मॉर्निंग में अपने गार्डन में घूमते हैं तो वहां पर जो पत्तियां होती हैं उस पर आपको ड्यू दिखाई देता है। ड्यू होता है ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर, ओस की बूंदें। बटर कप, बटर कप तो ऐसा लगता है जैसे कि आइसक्रीम का नाम है, बट ये होता है एक तरह का येलो फ्लावर। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, एक प्रकार का पीला फूल। एरेंज, एरेंज मतलब होता है बैड, बुरा या खराब। आइए अब हम देखते हैं बटर कप फ्लावर कैसा दिखता है। तो आप सभी बच्चे देख पा रहे हैं, ये होता है बटर कप फ्लावर, जो कि एक तरह का पीला फूल होता है, येलो फ्लावर होता है। ओके, आगे चलते हैं। अब हम करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। ये बेटा आपके 3 क्वेश्चंस हैं इस पोयम से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक योर शेडो लुक्स लाइक? सेकंड क्वेश्चन है, Why do you think your shadow jumps into bed before you can? और थर्ड क्वेश्चन है, What time of the day do you think it is when your shadow is the tallest and why? Morning, afternoon or night? आइए तो फिर इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, Who do you think your shadow looks like? मतलब आपको क्या लगता है कि आपकी शेडो किसकी तरह लगती है? Who do you think your shadow looks like? तो आई थिंक माई शेडो लुक्स लाइक मी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे क्या लगता है कि जो मेरी शेडो है वो किसकी तरह दिखती है? मेरी तरह दिखती है। आई थिंक माई शेडो लुक्स लाइक मी। आइए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों, वाई डू यू थिंक योर शेडो जम्प्स इन टू बेड बिफोर यू कैन? आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो आपकी शेडो है वो आपसे पहले आपके बेड पे जंप कर जाती है? तो इसका आंसर होगा बच्चों, व्हेन आई स्टैंड नियर माय बेड माय शेडो फॉल्स ऑन द बेड। जब मैं अपने बेड के पास खड़ा होता हूं तो मेरी शेडो जो होती है, जो मेरी शेडो बनती है, वो कहाँ गिरती है? बेड पे गिरती है। सो इट सीम्स मतलब ऐसा दिखता है कि मेरी जो शेडो है, शेडो जंप्स इनटू बेड बिफोर, तो ऐसा दिखता है कि जो मेरी शेडो है वो मुझसे पहले जंप कर गई है। बिफोर मी, इसको मी कर लेंगे बेटा। ठीक है, सो इट सीम्स शेडो जंप्स इनटू बेड बिफोर मी, तो ऐसा दिखता है कि जो मेरी शेडो है वो मुझसे पहले बेड पे जंप कर गई। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इज व्हेन योर शेडो इज द टॉलेस्ट एंड व्हाई? अब आपको ये बताना है कि किस टाइम आपकी जो शेडो बनती है वो टॉलेस्ट बनती है। टॉलेस्ट मतलब लंबी बनती है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में या नाइट में। तो आइए हम इसको एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं। ये देखिए बेटा, आप बताइए मुझे किस टाइम, मॉर्निंग के टाइम में या ये है दोपहर का नून, ये है लेट आफ्टरनून, किस टाइम आपकी शेडो जो है वो लॉन्गेस्ट बन रही है या टॉलेस्ट बन रही है? तो हम देख पा रहे हैं टॉलेस्ट शेडो जो बनती है वो या तो मॉर्निंग में या लेट आफ्टरनून में बनती है।
तो हमें जो आंसर दे रखा है, आंसर में जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो मॉर्निंग दे रखा है, आफ्टरनून या नाइट। तो नाइट में तो शेडो नहीं बनेगी क्योंकि सन नहीं होता है, इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मॉर्निंग हो जाएगा। मॉर्निंग इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब पूछा गया है व्हाई, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है बच्चों, बिकॉज इन मॉर्निंग द सन रेज आर फॉलिंग स्लांटिंग। ठीक है, स्लांटिंग जो है आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा बच्चों, स्लांटिंग लाइंस। ये क्या होती हैं, कौन सी लाइंस होती हैं जो इस तरीके से होती हैं, स्लांटिंग लाइंस। ठीक है, ये होती हैं आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होती है वर्टिकल लाइन। तो जो स्लांटिंग लाइंस होती हैं, जैसे कि यहां पर आपका सन होगा, ठीक है, तो स्लांटिंग लाइन इस तरीके से होंगी। तो इस समय जो मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून होता है, उस समय जो रेज होती है वो स्लांटिंग होती है, इसीलिए जो हमारी शेडो होती है वो टॉलेस्ट बनती है। बिकॉज इन मॉर्निंग द सन रेज आर फॉलिंग स्लांटिंग, दैट्स वाई द शेडो इज द टॉलेस्ट। यहां से आप समझ भी सकते हैं, ये देखिए स्लांटिंग है, इसको बोलते हैं स्लांटिंग। ठीक है, ये एकदम स्ट्रेट पड़ रही है वर्टिकल, ये भी स्लांटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, रीड द लाइंस फ्रॉम द पोयम एंड आंसर द फॉलोइंग। तो आपको कुछ ये ब्लू कलर से लाइनें दे रखी हैं, ये पोयम की लाइन है, इनको पढ़ के हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। ही इज वेरी लाइक मी, ही इज वेरी लाइक मी, वो कैसा है, मेरी तरह है। कौन, फ्रॉम द हील्स अप टू दी हेड। हील्स का मतलब बच्चों हमने क्या पढ़ा था, बैक फुट, बैक पार्ट ऑफ द फुट, दैट इज एडी, और हेड का मतलब हमने क्या पढ़ा था, सर पढ़ा था। ठीक है ना, हु डज ही रिफर टू, तो इस लाइन में ही किसको रिफर किया गया है, देखिए ही इज वेरी लाइक मी, तो ही रिफर्स टू शेडो, वो बिल्कुल मेरी तरह है। कौन, शेडो ही तो है मेरी तरह बिल्कुल। हु डज मी रिफर टू, मी किसके लिए रेफर किया गया है, ही इज वेरी लाइक मी। मी मतलब मी कौन है यहां पर बच्चों, मी है यहां पर स्पीकर ऑफ द पोयम, और यू कैन से दैट स्मॉल चाइल्ड ऑल्सो। ओके, वाई आर ही एंड मी अलाइक, मैं और वो जो मेरी शेडो है वो एक जैसे क्यों है, बिकॉज, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज क्यों है बच्चों बताइए, ही इज माई शेडो, वो क्या है, मेरी शेडो है ना बच्चों, इसीलिए तो मेरी जैसी है, ही इज माई शेडो। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस दी फॉलोइंग। इस पिक्चर में आप क्या देख पा रहे हैं बच्चों, इसमें देख पा रहे हैं कि एक जो डॉग है, ये जो डॉग है ये क्या कर रहा है, इस बॉय को चेज कर रहा है, दिस इज अ बॉय। ठीक है ना, तो अगर ये इस तरीके की चीज आपके साथ होती है तो व्हाट विल यू डू, ये आपको बताना है, व्हाट वुड यू डू इफ अ डॉग चेजेस यू। तो जब भी आपको कोई डॉग चेज करता है तो आप ध्यान रखेंगे आप भागेंगे नहीं, अगर आप भागेंगे तो डॉग विल ऑल्सो रन एंड मे बी ही कैन बाइट यू ऑल्सो, वो आपको खा भी सकता है, इसलिए नो नीड टू रन। आप क्या करेंगे, अ डॉग चेजेस यू, तो आप क्या करेंगे, आई वुड नॉट रन बट वॉक स्लोली, मैं क्या करूंगा, स्लोली मतलब मैंने क्या बताया, धीमे धीमे चलूंगा। अगर इस तरह की कंडीशन आपके साथ होती है तो आप क्या करेंगे, यू हैव फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट होम, आप अपने घर पे अपनी होमवर्क कॉपी भूल गए हैं और आपकी टीचर आपसे पूछ रही है कि अपनी कॉपी दिखाइए, देन वॉट विल यू से। तो आज टाइम, उस टाइम बच्चों आपको क्या करना चाहिए, सच बताना चाहिए अपनी मैम को, मैम आई विल टेल द ट्रूथ टू द टीचर मैम दैट आई हैव फॉरगॉटन माई होमवर्क कॉपी एट होम, टुमारो आई विल शो यू। तो ये आपको करना चाहिए, आपको कभी भी बहाने या झूठे एक्सक्यूज नहीं देने चाहिए। ये बच्चों क्या है, ये आपका हैंड है, ठीक है, ये इसका पाम है, ये यहाँ पर फाइव फिंगर्स हैं, यहाँ पर ये इस तरीके से ये रिस्ट होती है, इसको रिस्ट बोलते हैं, कलाई जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, और ये पूरा हैंड का पार्ट है। तो
इन फिंगर्स के बारे में आपको इन फिंगर्स का नाम पता होना चाहिए। ये जो पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं पाम, ये सबको पता है, ये होता है थंब, ये होती है हमारी इंडेक्स फिंगर, या इसको बोलते हैं फोर फिंगर भी बोलते हैं बच्चों इसको। ये बीच में है इसलिए इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर, और इसमें हम रिंग पहनते हैं, ठीक है बच्चों, रिंग पहनते हैं तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिंग फिंगर। और ये सबसे छोटी फिंगर होती है लास्ट वाली, इसलिए इसको पिंकी या लिटिल फिंगर भी बोला जाता है, या आप स्मॉल फिंगर भी बोल सकते हो, ठीक है बच्चों, स्मॉल फिंगर भी बोल सकते हो। तो आपको अपने हैंड की, अपने हैंड को देखिए सभी बच्चे अभी, और थंब कौन सा है वो उसको देखिए, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, दीज आर दी नेम्स ऑफ योर फिंगर। ओके, तो आइए, ये हमने क्यों पढ़ा है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका यूज होगा। क्वेश्चन नंबर टू, ये आपको बताना है, डू द एक्शंस एज गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व विच पार्ट और फिंगर्स ऑफ योर हैंड इज बीइंग यूज्ड। ये आपको यहाँ पर कुछ एक्शंस दे रखे हैं बच्चों, और आपको ये बताना है कि आपके हैंड की किस फिंगर का यूज हो रहा है। अगर आपको पॉइंट करना है एट दी डोर, मतलब आपको ये बोलना है कि ये दरवाजा बंद कर दो, तो आप किस उंगली का इस्तेमाल करेंगे, देयर यू विल यूज फोर फिंगर। आप फोर फिंगर यूज करेंगे, या फोर फिंगर को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करनी है, बॉल को बाउंस करना है, उछालना है या टिप्पा खिलाना है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, उंगली का या पाम का, तो यहाँ पर आप अपने पाम का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रैच योर चिन, आपको अपनी चिन को स्क्रैच करना है, तो फोर फिंगर का यूज करेंगे, और यू कैन यूज फोर फिंगर को, दूसरा नाम क्या होता है, इंडेक्स फिंगर। ट्विस्ट योर ईयर, आपको अपने कान को मरोड़ना है, तो थंब प्लस फोर फिंगर, दो फिंगर्स, टू फिंगर्स आर सफिशियंट फॉर दिस एक्शन। आपको अपने बालों को काटना है, कॉम योर हेयर्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल फिंगर्स प्लस थंब। ड्रॉ विद ए पेंसिल, आपको पेंसिल से कुछ ड्रॉ करना है, तो आप पेंसिल पकड़िए और देखिए आपकी किन फिंगर्स का यूज हो रहा है, एक थंब का होगा, एक फोर फिंगर का और मिडिल फिंगर का। और टच अ फ्लावर, आपको किसी फ्लावर को टच करना है, तो आप हैंड से भी टच कर सकते हैं बच्चों, या किसी फिंगर से भी टच कर सकते हैं। तो दीज आर दी आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नाउ दिस क्वेश्चन, दीज आर दी फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ दी वर्ड्स गिवन इन दी ब्रैकेट। वेयर इज द चाइल्ड, नाउ देयर आर थ्री ऑप्शन, हू, हूज और विच, डैश पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हूज पेरेंट्स, ठीक है बच्चों, हूज पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल। सेकेंड, आई सॉ मेनी हाउसेस डैश वर क्वाइट स्पेशियस, स्पेशियस मतलब होता है बड़ा, बिग। ओके बच्चों, तो यहां पर आ जाएगा विच। मैथमेटिक्स डैश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, सो इज सो इंटरेस्टिंग, तो यहां पर भी आएगा विच, विच इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, मतलब बेसिकली हम विच का यूज कहाँ करते हैं, नॉन लिविंग को शो करने के लिए। नॉन लिविंग को जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है या शो करना होता है, वी यूज विच, और हुज हम यूज करते हैं लिविंग के लिए। यहाँ पर पेरेंट्स के लिए था या चाइल्ड के पेरेंट्स के लिए था, तो यहाँ पर इसलिए हुज इस्तेमाल किया। द पोयम यू रेड आउट इज सो लवली, जो पोयम आपने पढ़ी वो बहुत ही लवली थी, तो दैट पोयम, द पोयम दैट यू रेड आउट इज सो लवली, तो दैट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आई नो द स्ट्रीट ही लिव्स ऑन, ठीक है, मैं जानता हूं वो किस स्ट्रीट पर रहता है, विच स्ट्रीट, तो यहां पर आ जाएगा विच ही लिव्स ऑन, आई नो द स्ट्रीट विच ही लिव्स ऑन। नेक्स्ट, आई लाइक रीडिंग बुक्स दैट हैव पिक्चर्स इन इट, मुझे वो बुक पढ़ना पसंद है जिसमें क्या होती है, दैट हैव पिक्चर्स, जिसमें पिक्चर्स होती हैं। द ओल्ड लेडी आई डैश आई मेट इन योर हाउस इज माई नेबर, जो ओल्ड लेडी है जिससे मैं तुम्हारे घर पर मिला था वो कौन है, मेरी नेबर है, हुम आई मेट, यहाँ पर आएगा हुम, हुम और हुज वी यूज फॉर लिविंग बींग्स, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये कंप्लीट हुआ बच्चों, आगे चलते हैं। से अलाउड, शू, शेडो, फिश, बुश, शिप, शीप, डिश, वॉश, शेल, शेड, विश, ब्रश, तो
सारे ही बच्चे इन वर्ड्स को तेजी से प्रनाउंस करेंगे, रीड करेंगे। लास्ट में बच्चों ये एक पोयम है, ये सन दिख रहा है, ये एक बच्चा बहुत खुश है, अपनी शेडो को देख रहा है, ये शेडो है। अब शेडो क्या होता है सभी बच्चों को पता चल गया होगा, इस पोयम को पढ़ते हैं। When the sun shines, I can see my shadow right in front of me. When I walk, my shadow walks. When I hop, my shadow hops. When I jump, my shadow jumps. And when I stop, my shadow stops. This small stanza was given by Louis Binder Scott. इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। When the sun shines, जब सूरज जो है चमकता है, I can see, मैं देख सकता हूँ। My shadow right in front of him. देखो यहाँ पर सूरज ये चमक रहा है, तो ये बच्चा कह रहा है कि मैं अपनी शेडो को अपने राइट फ्रंट में देख सकता हूँ, ये देख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये बोलता है When I walk, जब मैं चलता हूँ, walk माने चलना, my shadow walks, मेरी शेडो भी चलती है। When I hop, hop माने होता है उछलना, जब मैं उछलता हूँ मेरी शेडो भी उछलती है। When I jump, जब मैं कूदता हूँ तो मेरी शेडो भी कूदती है। And when I stop, My shadow also stop. जब मैं रुकता हूं तो मेरी shadow भी रुक जाती है। Thank you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। Thanks for watching this video. Have a good day. Bye bye. Stay at home. Stay happy. Stay healthy. Thank you.